दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग कुछ नई चीज़ दिखाने वाले हैं आपको, जो एग्रीकल्चर से रिलेटिव तो है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। ये जो वाइट वाइट बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है मधुमक्खी के जो घर है वो, और इसके अंदर में है पाले हुए हैं मधुमक्खी। हम लोग इसके बारे में आज डिटेलिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है, कैसे इससे आमदनी की जा सकती है, कैसे इसकी खेती की जा सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे साथ में जुड़ेंगे इनके एक्सपर्ट, इनसे पहले भी एक वीडियो आपने देखा होगा और वही हमको आज पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आप देखेंगे पूरा तो यकीनन कुछ ना कुछ फायदे की चीज़ें सामने आने वाली है। तो हमारे साथ में है खतरों के खिलाड़ी, जिनको मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये अर्जुन कुशवाहा जी, और ये एक्सपर्ट है मधुमक्खी पालन में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिएगा क्या ये मधुमक्खी जो हम लोग देख सकते हैं, अगर ये जो है इटालियन मधुमक्खी है जी, है ना, ये देसी मधुमक्खी से बड़ी होती हैं, हाँ, और चट्टानी मधुमक्खी से छोटी होती हैं। एक और मधुमक्खी इससे बड़ी भी होती है ना, जो हाँ जो इससे बड़ी होती है वो चट्टानी मधुमक्खी है, ये इटालियन है। तो इटालियन मधुमक्खी जो है ये देसी मधुमक्खी से ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, इसका जो शहद है वो ज़्यादा आएगा। हाँ ज़्यादा आएगा, और मैंने ये महीने में एक पेटी से 16 से 22 किलो इसका मैंने शहद, मतलब ये जो हम लोग बॉक्स देख रहे हैं, हाँ, पर बॉक्स 16 से 22 किलो शहद, 16 से 22 किलो, हाँ, और हर महीने ओके। हमें दिखाइए जैसे इसको ओपन करके, अगर ओपन करके दिखा रहा हूँ, हाँ, जाली वाला को दिखाता हूँ तो उससे अच्छा जिसमें जाली लगी है वो दिखाने वाले हैं, हाँ, बस जो काटे नहीं वो दिखाइएगा। नहीं ठीक है ना, इस पे जाली लगी, अच्छा इसमें ये देखिए मधुमक्खी का छत्ते अंदर में बने हुए हैं और पूरी मधुमक्खियाँ यहाँ घूम रही हैं। तो इसमें शहद बनाने का कोई समय होता है क्या कि कब ये शहद बनाएंगे, या हमेशा ये रेगुलर काम करते हैं? इसका ये जो मई महीना है, हाँ, ये लास्ट मैंने शहद बनाने का जो लास्ट महीना चल रहा है, ये लास्ट महीना, यानी कि आप साल भर लोग शहद नहीं बनाएंगे? नहीं साल भर नहीं, केवल बरसात में, बरसात भर जो है 3 महीना बरसात भर ये शहद नहीं बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद बरसात जैसे ही खत्म होगा फिर से अपना शहद बनाना चालू कर देंगे। मतलब ये बारिश के समय में ये ऑफ सीजन होता है? हाँ ऑफ सीजन होता है। अर्जुन जी मुझे बताइए जरा कि अगर इसमें जो लागत है वो लगभग कितना होता होगा एक बॉक्स के पीछे? एक बॉक्स के पीछे 5,000 मैंने लागत है, मैंने नया अपना करना चाहें, हाँ, तो 5,000 रुपये एक पेटी अपना को तैयार करने में लग जाता है। और बात करें आमदनी की तो लगभग एक बॉक्स में कितना आमदनी होता होगा? एक बॉक्स में आमदनी मैंने किलो में बता दीजिए इसका, जो किलो में 450-500 रुपए किलो इटालियन मधुमक्खी का शहद। अच्छा, हाँ, ये इसका डिमांड भी है? हाँ डिमांड भी है, अन्य जिला से भी शहद लेने इसका आ रहे हैं। हाँ आपके पास में जब इसका स्टॉक रहता है तो लोग आते हैं, मैंने भी सुना है। इसमें खतरा बताइए, जैसे कि किसी घर के पास में अगर कोई खेती करता है तो इसमें खतरा क्या क्या है? नहीं इसमें खतरा तो कुछ नहीं है, हाँ, मैंने क्या है कि मौसम के हिसाब, जैसे मौसम बरसात का मौसम रहेगा तो उनको छेड़ना नहीं है। अच्छा, जैसे बादल आ गया, मौसम दिखने लगे कि बादल है तो इसको छेड़ना नहीं है, न खोलना नहीं है, और जैसी धूप निकला तो खोले ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब मौसम जब खराब रहे, हाँ, तो तब इनको डिस्टर्ब न करें। हाँ, ये पेड़ वगैरह में छत्ता नहीं बनाते जैसे हम लोग जनरली देखते हैं टावर में या पेड़ों में छत्ता बनाए होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता ये? नहीं, ये जो टावर और पेड़ों में जो बनाते हैं वो इससे बड़ी मधुमक्खी होती है, और चट्टानी मधुमक्खी होती है वो, जो मैंने इंसान को जो है मार डालते हैं, वो तो बहुत जहरीले भी, बहुत जहरीले होते हैं, जहरीले भी हैं लेकिन उससे भी होते हैं, और खूंखार, मैंने ये जो है किसी को भी एक काटेगा तो सारे एक साथ में झुंड बना के नहीं काटेंगे, अटैक नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा और जानकारी डिटेल में ये बता दीजिए कि इसको अपन खिलाएंगे क्या, जब ये हम लोग पालना चाहें तो पाल करके इसे खिलाएंगे क्या? हम क्या है बरसात में 3 महीने अपने को इनको जो है खाने के लिए देना पड़ेगा। अच्छा, इटालियन वाले को, हाँ, कि क्या है बरसात में निकलेंगे ही नहीं तो इनको भोजन मैंने अपन को देना है, मैंने जैसे शक्कर का सीरा वगैरह कुछ बना के इनको कटोरी में डाल देंगे तो ये भूखे ये लोग मरेंगे नहीं।
शीरा ये लोग इनको चलेगा, शीरा अलग रख देंगे तो उसी में ये लोग शीरा रख देंगे, शक्कर का शीरा बना के रख देंगे, माने इनको माने उससे शहद बनाएंगे नहीं, केवल अपना जीवन 3 महीने ये लोग जो है खाने के लिए इनको शीरा चाहे गुड़ का कुछ भी हो गया, मीठा चीज, हाँ मीठा चीज कुछ भी हो गया वो देना पड़ेगा। इसके लिए जैसे अगर बाहर का खाना, जैसे अभी के सीजन में नॉर्मल सीजन में हाँ। तो ये क्या खुराक इनका क्या है, क्या खाते हैं, जैसे कोई फूल स्पेशल बने फूल का क्या है, जैसे सूरजमुखी हो गया, अभी मक्के का सीजन है हाँ। मक्के में भी फूल आ रहा है, वो भी मीठा होता है हाँ, वो भी मीठा होता है। और अभी क्या है कि सराई का फूल तो अभी खत्म हो गया, अभी इसमें मेंदा में फूल भरपूर फूल है अभी का सीजन में जी हाँ, तो वो क्या है औषधि पौधा है हाँ। उससे भी अभी का जो शहद है पूरा औषधि, मैंने नीम में भी फूल आ गया है, पूरा औषधि शहद अभी प्राप्त हो रहा है। ये जो अभी है ये पूरा ऑर्गेनिक भी है और औषधि हाँ। भी है हाँ। आप ये कहना हाँ। चाह रहे हैं हाँ। तो इनके लिए खेती कौन सा, सूरजमुखी सबसे अच्छी खेती है हाँ। सूरजमुखी का क्या है, खेती करने से क्या है लंबा फूल उसका चलता है, और ऐसे क्या है कि सरसों अलसी का जो है वो लगभग 20 से 25 दिन टिकता है उसका फूल। अच्छा, तो ये एक बेहतर खेती हो सकता है, क्या सलाह देंगे आप किसानों को, ये किया जा सकता है और कितनी मिनिमम जमीन चाहिए इसको करने के लिए? इसको मिनिमम जमीन क्या है कि अभी तो जैसे इतना इतना सारा एक जगह रखा हुआ है हाँ। कम से कम 100 पेटी हैं, तो ये 25 डिसमिल माने 50 डिसमिल में 5-6 पेटी रखें तो अपन को भरपूर माने इसका लाभ जो है, एक परिवार आराम से इसका जीवन यापन कर सकता है 6 पेटी रख के, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली हाँ, आराम से इसकी कमाई से कर सकता है बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने, और ये सभी फार्मर्स को जानकारी नहीं होता। तो अगर बात करें तो घर के पास में रखें तो इसको कोई खतरे वाली कोई बात नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो ये भी एक अच्छा जानकारी आपकी तरफ से मिला हमें, और लगभग ये जो है ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा घना हो गया है, पास ज्यादा हो गया, इसको डिस्टेंस पूरा रखना पड़ेगा, दूर माने रखना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी, इनका खाने के लिए भी जो है पर्याप्त मिलेगा बिल्कुल। अर्जुन जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, मुझे थोड़ा सा ये बताइए अगर इसका हमको बिजनेस चालू करना है तो कहाँ से हम लोग ये ले सकते हैं, इसका जो पेटी है और जो मधुमक्खी है वो कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं? इसका क्या है हॉर्टिकल्चर से भी किसान संपर्क कर सकते हैं हाँ। और हर संभाग में एक अनुसंधान केंद्र है हाँ। जो एग्रीकल्चर का जहाँ रिसर्च करते हैं हाँ, रिसर्च करते हैं, वहाँ से भी ट्रेनिंग भी मिल जाएगा हर किसानों को, और वहाँ से पेटी कहाँ से मिलेगा वो उपलब्ध भी अच्छा वो जानकारी वो जानकारी हर संभाग में दे देंगे। और हॉर्टिकल्चर से है तो क्या हॉर्टिकल्चर हर जिला में मैंने एक हॉर्टिकल्चर है होता है हाँ। होता है तो वहाँ से जानकारी ले लेंगे और चाहे तो वहाँ से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत सरल कम लागत का एक अच्छा खेती के तौर पे किया जा सकता अच्छा खेती है। हम इसमें क्या है मेहनत है नहीं, इसको ये भी नहीं है कि पर डे इनके पीछे अपने को मेहनत करना है, एक बार अपन अच्छा। इसको बढ़िया से सुरक्षित रख लिए माने चींटी वगैरह ना लगे है ना, चींटी और एक टटेंगा बोलते हैं जो गिरगिट तो गिरगिट क्या है इसको पकड़ के खा जाती है, तो अपने को उसी का बचाव करना है। और इसमें कुछ नहीं, साल में एक बार इसका पेटी का जो है अपन को सफाई करना है, क्योंकि एक कीड़ा जो नाली में जो होता है सफ़ेद कीड़ा वो लग जाती है जी, तो उससे क्या है जब वो छत्ती को काटने लगते हैं तो मधुमक्खियाँ नहीं आती, छत्ती को छोड़ के वो भागना चाहती हैं। अच्छा, तो ये सारी सावधानी रखने के बाद में इसको बहुत अच्छे से खेती आप कर सकते हैं। जो भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं उनके स्टेट में हॉर्टिकल्चर या उद्यान विभाग का कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ से ये ले सकते हैं और ये खेती चालू कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। आपको उम्मीद है बहुत कुछ जानकारी इससे मिली होगी और बहुत आसानी से ये काम आप घर पे कर सकते हैं थोड़े से ज़मीन पे। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।